हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी अनअकैडमी हिंदी। आप सभी का स्वागत है इस हिंदी माध्यम के चैनल में, जिसमें हम लोग आपको बहुत सारी सेक्शन को हमारे अलग अलग फैकल्टीज डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया से बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं, एक एक पॉइंट्स को कवर कर रहे हैं। आप सभी फैकल्टी मेंबर्स के लेक्चर्स देखिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का देखना है तो आपको इन डेप्थ एनालिसिस यहाँ पर मिलेगा ही रेगुलरली। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और आप रेगुलरली इसी प्रकार से क्या है क्लास को लेते रहिए। एक बार कन्फर्म कर दीजिए ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। राइट, चलिए तो लेट मी कंटिन्यू। आप सभी आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि दिस इज माय रेफरल कोड यदि आप चाहें तो कभी भी एनी टाइम, जब भी आपको यूपीएससी अनअकैडमी के यूपीएससी या फिर किसी भी सेक्शन के एनरोलमेंट लेने हैं, हम लोग 150 प्लस डिफरेंट एग्जाम्स की प्रैक्टिस करवाते हैं। आपको किसी भी सेक्शन की प्रिपरेशन करनी है तो आप मेरे इस रेफरल कोड की मदद से इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। और भी अन्य कोई क्वेरी है तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप पर। अनअकैडमी ऐप पर मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन बताऊंगा। अनअकैडमी ऐप पर आप मुझे सर्च करते हैं मेरे नाम रुद्र गौतम से, रुद्र गौतम, राइट। और मैं आपको जितनी भी PDFs हैं, वो मेरा जो 7 से 8 का लेक्चर अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आता है, वहां पर मैं आपको ये सभी PDF प्रदान कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए, अनअकैडमी जो है वो आपको लाइव स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज देता है, फैकल्टीज डिफरेंट एंड डाइवर्स एक्सपीरियंस के साथ, 200-300 प्लस फैकल्टीज के साथ, एक सब्जेक्ट के 10-10, 20-20, 30-30 और कई बार तो आपको 70-80-100 फैकल्टीज मिलेंगे। इतने फैकल्टीज, इन सभी के कोर्स आपको जिसको लगता है आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ अनअकैडमी। और कोई भी संस्थान इतनी डाइवर्स वैरायटी की रेंज में आपको कंटेंट प्रोवाइड नहीं करवाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपको अनअकैडमी पर एक तो लाइव क्लास मिल जाएगी, राइट, लाइव क्लास मिल जाएगी। उसके बाद में आप टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, आपको डाउट क्लियरिंग सेशन मिल जाएंगे। तो दिस इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन। और आज ही आप लोग सबसे पहले अनअकैडमी कोर्सेज में जो भी आपके सिबलिंग्स भाई बहन वगैरह हैं उन्हें भी आप एनरोल करवा सकते हैं इसमें, राइट। सो और आप लोग तुरंत सब्सक्रिप्शन ले लें, ताकि क्या होगा, आपकी तैयारी में बिल्कुल भी समय का अभाव ना महसूस हो। आज ही से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हमारे इतने सारे जो फैकल्टीज हैं उन सभी के जो स्पेशल टॉपिक्स हैं उन सभी को आप कवर कर पाएंगे। तो दिस इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन एंड दैट इज अनअकैडमी। तो RPSIR10 रेफरल कोड का यूज करेंगे, देन यू विल गेट 10% डिस्काउंट। सो 12 महीने या फिर 24 महीने के किसी भी प्रकार के आप कोर्स लीजिए। प्रेफरेबली यदि आप ग्रेजुएट हैं तो 24 मंथ्स का लीजिए, इसमें आपको बहुत लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिल जाएंगे। वेरी गुड मॉर्निंग रेशमा जी, गुड मॉर्निंग GK ट्रिक्स, गुड मॉर्निंग राम IAS लवर, गुड मॉर्निंग भाई साहब, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। तो आइकॉनिक और प्लस में क्या डिफरेंस होता है? तो आइकॉनिक में आपको डेडिकेटेड हम लोग कोच प्रदान करते हैं, जो टेलीफोनिकली आपसे बात करता है। आपको किसी भी तरह की दिक्कत है तो आप तुरंत उनसे संपर्क कर सकते हैं। डेली मेंस के क्वेश्चन एंड आंसर की प्रैक्टिस होती है और उसमें आपको फीडबैक भी दिया जाता है। स्टडी प्लानर मिलता है और पर्सनलाइज फीडबैक भी मिल जाता है। तो ये सभी फैसिलिटीज जो है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे। गुड मॉर्निंग अभी सिंह जी, गुड मॉर्निंग धर्मेंद्र तिवारी, गुड मॉर्निंग, आप लोग सभी जुड़ चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। अब पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, आप एक बार ध्यान से प्रश्न को पढ़ लीजिए, कंफर्म कर दीजिए क्वेश्चन विजिबल है आपको, कंफर्म कर दीजिए एक बार क्वेश्चन विजिबल है। दूसरा पॉइंट, मैंने आपको इंग्लिश में भी और हिंदी में भी कंटेंट प्रदान किया है, राइट। आगे आने वाले समय में जिस प्रकार से मेंटी क्विज हुआ करता था, उसी प्रकार से हम अनअकैडमी लर्निंग ऐप से क्विज करेंगे और आपका एक्चुअल फीडबैक पता चलता जाएगा। रजत काप से गुड मॉर्निंग, अभी जी गुड मॉर्निंग, GK ट्रिक्स सक्सेस की, ओके। तो सब कुछ क्लियर है, एकदम क्लियर है, ध्यान से पढ़ लीजिए, इंग्लिश में भी है हिंदी में भी है। पोलेरीमेट्री डॉपलर वेदर रडार, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए डॉपलर इफेक्ट क्या होता है। हिंदी में पढ़ लीजिए कि क्या इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने स्थापित किया ना, स्वदेशी रूप से बनाया गया पोलेरी डॉपलर वेदर रडार को।
पर्याप्त चेतावनी प्रदान करता है दृष्टिकोण की घटना, कोई से भी तूफान मौसम में गिरावट आती है तो ये पहले इन्फॉर्म कर देता है। एक बार जल्दी से इसके आंसर्स दे दीजिए, देन आई विल डिस्कस कि भाई क्या आंसर होगा। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एकदम क्लियर है, जल्दी से ध्यान से पढ़िए, हिंदी इंग्लिश दोनों में आंसर्स देना शुरू कर दीजिए ताकि मैं भी आपको बता दूं कि इसका आंसर क्या है, और फिर डिस्कस भी करेंगे। आपको आज जितने क्वेश्चंस हैं उतने टॉपिक्स कवर होने वाले हैं। सबसे अच्छी बात आज की ये है, जितने क्वेश्चंस हैं, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं उतने ही टॉपिक्स आपके आज कवर हो जाएंगे। तो अपने आप में 15 क्वेश्चन हैं, 15 अलग अलग टॉपिक्स आपको आज कवर होने वाले हैं, बिल्कुल अलग अलग डाइवर्स रेंज से है, करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। तो भारती सिंह ने सबसे पहला आंसर दिया है, वेरी गुड बेटा। मैं अब आंसर बता देता हूं, ज्यादा इंतजार नहीं करते हैं। देखिए, पोलैरिमेट्री डॉपलर मौसम रडार, इसका उत्पादन, इसको सबसे पहली बार जो बनाया वो BEL ने ही बनाया है। बिल्कुल सही है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। सेकंड पॉइंट, पर्याप्त चेतावनी, बिल्कुल ये पोलैरिमेट्री जो है ये मौसम अनुसंधान के लिए ही बनाया गया है, तो बिल्कुल सही है, सी इज द करेक्ट आंसर। तो एक बार एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, आपको ये हेडक्वार्टर भी साथ में जितने इंफॉर्मेशन पॉइंट्स हैं ना सब एग्जाम में किसी भी पॉइंट बन के आ सकते हैं आपके। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, मुख्यालय कहां है? बेंगलुरु। इसी ने इंडिजीनियसली घरेलू टेक्निक के साथ में बनाया। अब हिंदी इंग्लिश के गैप पर मत आना आप, मैंने भले ही ये कंटेंट इंग्लिश में प्रदान कर रहा हूं, मैं हिंदी में भी प्रदान कर सकता था, लेकिन दो दिन से क्या हुआ, मेरे साथ कुछ ट्रेजेडी हो गई है। मेरे जो एक कजिन है वो पानी में नहाने गए और वहां पर जो है वो नहीं बच पाए, तो इसके चलते मुझे सारे के सारे शेड्यूल को डिले करना पड़ा। तो मैं इसलिए माफी चाहता हूं आपसे, एक दो दिन का जो ये प्रॉब्लम हुआ है ना, मैं माफी चाहता हूं आपसे। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, सी रेशमा जी बिल्कुल ठीक है, आप सबसे पहले सी आंसर दिया था, जीके ट्रिक सक्सेस की, वेरी गुड बेटा, आपने सबसे पहले सही आंसर दिया है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सेवेंथ रडार, ये सातवां रडार है, सारे इंफॉर्मेशन याद रख लो, सातवां रडार है, मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया। ये हमारी एनहांस करेगा किस फीचर्स को, कि हम वेदर फोरकास्टिंग कर सकें, प्रिडिक्ट कर सकें कि कोई साइक्लोन तूफान आने वाला है या नहीं आने वाला, इसको हम लोग बता सकते हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? पॉलीमेट्री, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? पॉलीमेट्री डॉपलर वेदर रडार के बारे में, राइट। ये भारत ने बनाया, अभी 2019 की बात है, ठीक है। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन स्टॉर्म इंटरनल विंड फ्लो, कि जो स्टॉर्म है उसके अंदर, आपको पता होगा स्टॉर्म और साइक्लोन की अपनी आंख होती है, तो अंदर कितनी तेजी से तूफान चल रहा है उसके बारे में भी बता सकता है ये। सिग्निफिकेंटली इंप्रूव द एक्यूरेसी ऑफ द रेनफॉल, कि कितनी सटीकता से ये बिल्कुल बता देगा कि कितने रेनफॉल का एस्टिमेशन है। तो इस प्रकार के रडार्स की बहुत ज्यादा आवश्यकता है भारत को, क्योंकि मौसम विभाग किसी भी चीज को प्रॉपरली प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा है। एकदम क्लियर। तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? अच्छा, एक और बात सुनिए ध्यान से, इस पीडीएफ को यदि डाउनलोड करना है आपको तो मुझे आप अनअकैडमी ऐप पर फॉलो कर लीजिए, मेरा नाम है रुद्र गौतम, वहां आप सर्च कीजिए, या फिर आप इससे सर्च करिए RP Sir 10, तो वहां पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, तो आप आसानी से वहां पढ़ सकते हैं। एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। तो रडार ऑब्जर्वेशनल नेटवर्क, देखिए डॉपलर इफेक्ट क्या होता है उस पर बात कर लेते हैं। बिल्कुल, साइक्लोन पर बेटर इन्वेस्टिगेशन मॉनिटरिंग वगैरह तो करेगा ही, ये सब कुछ बता देगा मौसम के बारे में, राइट। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन जो भारत में आते हैं उसके बारे में बेटर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है पॉलीमेट्री डॉपलर रडार। अब बात आती है डॉपलर इफेक्ट क्या होता है। आपने देखा होगा जब भी कोई गाड़ी आपकी तरफ हॉर्न बजाती हुई आ रही है तो आपको ध्वनि पहले सुनाई देती है, जबकि आपकी विपरीत दिशा में जा रही है तो ध्वनि थोड़ा लेट सुनाई देती है क्योंकि वो अपोजिट दिशा में जा रहा है। तो यही क्या होता है, जब भी कोई मोशन ऑफ द वेव, जिस दिशा में कोई चीज जा रही है उस दिशा में यदि हमारी तरफ आ रहा है तो आवाज तेज सुनाई देगी, जल्दी पहले सुनाई देगी। विपरीत दिशा में जा रहा है, हमसे अगेंस्ट वाली दिशा में जा रहा है तो ध्वनि देर में सुनाई देगी। एक पॉइंट क्लियर है। तो पोलैरिमेट्री डॉपलर वेदर रडार आपको एकदम क्लियर हो गया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने बनाया है, और ये इवेंट ऑफ अप्रोच साइक्लोनिक स्टॉर्म एंड मानसून डिप्रेशन के बारे में ये बता देगा पूरी तरह से।
एकदम क्लियर। मनु सिंह जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है कि व्हाट इज किबल बैलेंस। एक बहुत अच्छा टर्म हो सकता है एग्जाम के लिए, व्हाट इज किबल बैलेंस। किबल बैलेंस से आप क्या समझते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है ये आपके पेपर के लिए। तो आप जल्दी से मुझे बता दीजिए कि व्हाट विल बी द आंसर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मनु सिंह जी, रेशमा जी, एकदम क्लियर है। किबल बैलेंस क्या होता है, जल्दी से आप अपने आंसर लगाना शुरू कर दीजिए, जल्दी से आप अपने आंसर लगाना शुरू कर दीजिए। राइट, प्लीज गिव मी द करेक्ट आंसर एज सून एज पॉसिबल। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए और आंसर लगाना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल, आपको जो भी आंसर आता है ना, आपको लगता है कि ये आंसर होगा, आप आंसर दीजिए। डोंट, देखो दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ी समस्या दुनिया की यह है कि लोग क्या कहेंगे, उस पर मत जाइए, बस आंसर दे दीजिए। और अगली बार से मैं आपके लिए अनअकैडमी ऐप पर लिंक करके क्विज भेजूंगा और वहां पर आप आंसर कर सकते हैं। राइट, तो वो हम लोग जल्दी शुरू करेंगे। वेरी गुड, भ्रष्टाचारियों के दुश्मन ने बताया है कि इसका आंसर सी है, और भ्रष्टाचारियों के दुश्मन आप भ्रष्टाचार पर काम कर रहे हैं। बट मैं आपको बता दूं, केबल बैलेंस, माही वेरी गुड बेटा, गुड मॉर्निंग। और बीटीएस आर्मी सर, आपने कल क्लास क्यों नहीं ली? बेटा आप लेट आए, एक तो बीटीएस आर्मी, मैं इसका रीजन बता चुका हूं, मेरे कजिन जो हैं, मेरे बड़े क्लोज हैं, मेरे कजिन, वो कल पानी में नहाने गए। आप लोग भी ध्यान रखेंगे, बरसात के मौसम में बड़ा आकर्षित होते हैं हम पानी की तरफ, लेकिन वो बड़ा नुकसान हो सकता है हमारी जिंदगी के लिए, है ना। तो वो कल पानी में गए और वो बच नहीं पाए, और इसीलिए मेरे को वहां सारा का सारा कल समय वहीं पर था मैं, है ना। अभी क्लियर है एकदम बात आपको? राइट, सो आप लोग, किबल का आंसर है किलोग्राम को मापने का नया तरीका। अब आपको याद आ रहा होगा, आपने पढ़ा था प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, ये पढ़ा था आपने प्लैंक कांस्टेंट, क्योंकि अभी जो इंटरनेशनल मेट्रोलॉजी यूनिट है, जो मेट्रोलॉजिकल जो फ्रांस में स्थित है, उसने अभी डेफिनेशन चेंज की है किलोग्राम की, क्योंकि जो इरिडियम, प्लैटिनम और इरिडियम नाम का जो धातु का एक सॉलिड मेटल था, वो धीरे धीरे उसमें जंग लगना शुरू हो गया। अब जब उसमें जंग लगना शुरू हो गया, तो जंग लगने पर, रस्ट बढ़ने पर उसका भार बढ़ता चला जाता है। अब भार बढ़ता चला जाएगा तो वेट, जो अंतरराष्ट्रीय मेजर की जो बेसिक यूनिट है, उसमें चेंज आ रहा है, तो दुनिया के बाट, तोल बाट का क्या होगा। तो इसीलिए हमको कोई ऐसा मेजर जो फिजिकल यूनिट हो, तो प्लैंक कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट है, इसके आधार पर हमने क्या किया, किलोग्राम को डिफाइन किया। ये पॉइंट क्लियर है? गुड मॉर्निंग। सो आंसर इज डी, प्लैंक कांस्टेंट के आधार पर हमने क्या किया, हमने नई डेफिनेशन दी है किलोग्राम की, और इसी को कहा गया है किबल बैलेंस, पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड टू डू इट्स वर्क। तो प्लैंक कांस्टेंट की मदद से जो फोटोन की एनर्जी, आपको पता होगा एच म्यू, प्लैंक कांस्टेंट में एच म्यू जो आता है, तो वहां पर प्लैंक कांस्टेंट, उसका प्रयोग करके हम लोग क्या करेंगे, किलोग्राम की। तो देखिए, किबल बैलेंस इज अ सेल्फ कैलिब्रेटिंग इलेक्ट्रोमैकेनिकल बैलेंस, प्रोवाइड्स द मेजरमेंट ऑफ मास, ट्रेसेबल टर्म इन इलेक्ट्रिकल पैरामीटर लिंकेज द माइक्रोस्कोपिक मास। तो आपको पता होगा जो प्लैंक कांस्टेंट है वो तो 10^-34 रेंज पर है, तो बड़े माइक्रोन लेवल पे बिल्कुल किलोग्राम का सटीकता से हम लोग मापन कर सकेंगे। तो इसको किया किसने, देखिए, एनपीएल, द नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, द नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी इंडिया की जो एसोसिएशन है, उसने 1 kg किबल का बैलेंस लागू कर दिया है, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो होता है वो फ्रांस निर्धारित करता है, फ्रांस में इसका सेंटर है, है ना। आपको मैं एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बता दूं, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे मतलब तोल भार मापन का जो दिवस होता है, वो 20 मई को, 20th of May को मनाया जाता है। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने, ठीक है। द नेशनल प्रोटोटाइप ऑफ किलोग्राम विल बी किबल, और उसके आधार पर, ये देखिए यहां पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बी
BIPM, the International Bureau of Weight and Measures, the International Bureau of Weight and Measures, यही वो संस्था है फ्रांस की जो निर्धारित करती है द डेफिनेशन ऑफ सेवन स्टैंडर्ड्स यूनिट, जो एसआई यूनिट्स होती हैं उनकी जो डेफिनेशन है, उनकी जो परिभाषा है वो यही निर्धारित करती है। एकदम क्लियर? तो देख लीजिए, द न्यू वे टू मेजर किलोग्राम विल बी किबल बैलेंस, और इसमें हम लोग बेसिकली किसका प्रयोग कर रहे हैं, प्लैंक कॉन्स्टेंट का, है ना? अभी एकदम क्लियर है बच्चों? एकदम क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैगलेव। मैगलेव का मतलब होता है फुल फॉर्म मैग्नेटिक, मैग्नेटिक लेविटेशन, लेविटेशन। और इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें अति चालकता का प्रयोग किया जाता है। अति चालकता क्या होता है? ये सुपर कंडक्टिविटी। अति चालकता में एक बार यदि वोल्टेज दे दिया गया तो उसके बाद वो वोल्टेज कभी खत्म नहीं होगा। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि ये सभी सुपर कंडक्टिविटी वाली चीज जीरो केल्विन या इसके आसपास काम करती है, और जीरो केल्विन पर कोई भी कण कंपन नहीं करता। तो जब धारा प्रवाह होने लगती है तो उसके लिए जो कंपन के माध्यम से जो प्रतिरोध जनरेट होता है वो प्रतिरोध रेजिस्टेंस जनरेट नहीं हो पाएगा, और इसीलिए अति चालकता का केस आता है। और यहां पर एक बार हमने ऊर्जा बना ली तो अथाह ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा हो जाएगी। तो इस प्रकार की डिवाइसेस भविष्य में बनाई जाएंगी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि ये बहुत ही निम्न तापमान पर, क्रायोजेनिक टेम्परेचर पर, जीरो केल्विन पर ही काम हो सकता है। तो मैग्लेव ट्रेन, इसके अलावा एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये सभी सुपर कंडक्टिविटी का प्रयोग करती। सुपर कंडक्टिविटी आपका पूरा एक टॉपिक है, ठीक है? तो आपको मैग्लेव के ऊपर आंसर जल्दी से पढ़िए और आंसर बता दीजिए, व्हाट विल बी द इट्स आंसर। मैग्लेव ट्रेन, पहले बुलेट ट्रेन चला करती थी, अब मैग्लेव ट्रेन चला करती हैं, और जापान ने शुरू भी कर दिया है 608 किलोमीटर पर आवर। आप सोचिए इस स्पीड से ट्रेन चल रही है, भारत की ट्रेन से 6 गुना ज्यादा तेज गति से। बुलेट ट्रेन की क्षमता 400-350 ही है। तो आपको पॉइंट क्लियर हो गए एकदम? तो जल्दी से आंसर बता दीजिए, व्हाट विल बी द आंसर, व्हाट विल बी द आंसर। तो बिल्कुल, भ्रष्टाचारियों के दुश्मन ने बताया है कि सी इसका आंसर है, सी इसका आंसर है। लेकिन मैं बता दूं आपको कि आप सभी लोग गलत बता रहे हैं। आप में से कितने लोगों ने मैग्नेटिक लेविटेशन, मैग्लेव के बारे में सुना है? पहले कंफर्म कीजिए, उसके बाद बात करेंगे। तो बिल्कुल, ये हाई स्पीड ट्रेन्स हैं, मैग्नेट के उपयोग से काम करती हैं, प्रोपेल उनको जो गति स्पीड प्रदान होती है वो ये हमेशा थोड़ा सा उससे ऊपर, जो इनका ट्रैक होता है उससे ऊपर उठी हुई उड़ती है, है ना? मैग्नेटिक लेविटेशन, मैं आपको सुपर कंडक्टिविटी के टॉपिक को जल्द ही कवर करूंगा। तो ये थोड़ा सा ऊपर चलती है और इसमें एक बार धक्का लगने के साथ ही ये बहुत तेजी से आगे जाती है। जापान ने इसका सफलतापूर्वक परीक्षण अभी किया था, ठीक है? तो बिल्कुल पहला पॉइंट बिल्कुल बिल्कुल सही है। सेकेंड पॉइंट पर आते हैं, तुलनात्मक रूप से उच्च रख रखाव है? बिल्कुल नहीं है। इंडियन रेलवेज जितना रख रखाव करती है वैसा कोई रख रखाव की आवश्यकता नहीं है, याद रखना। सेकेंड पॉइंट बिल्कुल गलत है, एक बार बनाने में खर्चा आएगा उसके बाद खर्चा नहीं आएगा। तो दूसरा पॉइंट जब गलत है तो ओनली ए, तो व्हाट विल बी द आंसर, ए। भारती सिंह ने सबसे पहली बार ए बता दिया। एकदम क्लियर है बेटा? एकदम क्लियर है? कंफर्म कर दीजिए। पढ़ लेते हैं, मैग्लेव टेक्नोलॉजी इज द हाई स्पीड ट्रेन टेक्नोलॉजी, बहुत तेज चलती है। कैसे है? मैग्नेटिक लेविटेशन। देखिए, लेविटेशन का मतलब मैं बता दूं आपको, हिंदी में भी ये लेविटेशन ही मिलेगा। लेविटेशन का मतलब होता है जमीन से थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा होना, लेविटेट करना, राइट? लेविटेशन। दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेंशनल ट्रेन एज वेल एज हाई स्पीड व्हील ट्रेन से बहुत अलग हैं, आकाश में उड़ती हैं। मैग्लेव डू नॉट नीड मेंटेनेंस फ्रिक्वेंटली, ये स्टेटमेंट लिखा है, देख लीजिए ध्यान से। मैग्लेव ट्रेन को ज्यादा मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं है, ना ही इनमें वियर एंड टीयर होता है, क्योंकि कोई भी पहिया तो होता ही नहीं है, राइट? बस आसपास के चुंबकीय प्रभाव की मदद से, साइड में भी चुंबक और नीचे भी चुंबक, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और हमेशा ये ऊपर उड़ती। एकदम क्लियर है? कंफर्म? चलिए,
तो अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर चर्चा करने वाला हूं, देख लीजिए ये रख रखाव की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। सभी बच्चे पीडीएफ मेरे अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो कर लीजिए, रुद्र गौतम, वहां पर आपको मिल जाएगा, या फिर आप unacademy@rpsir10 आप सभी लोग अनअकैडमी पर मुझे फॉलो कर लीजिए ऐप पर, लर्निंग ऐप पर, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि मेरा ये आज एक लेक्चर आएगा 10 PM पर। यदि कोई भी चेंज होगा तो आप एक बार थंबनेल चेक कर लेना इसी चैनल पर। आई विल प्रोवाइड यू ऑल द मिशंस ऑफ नासा। मैं आपको नासा के सभी मिशन आज पढ़ाने वाला हूं। एक लंबी और बहुत अच्छी क्लास होने वाली है जिसमें आपको स्पेस मिशन की बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। तो कितने लोग आने वाले हैं कंफर्म कर दीजिए, और ये लेक्चर आज ही होने वाला है, ठीक है बच्चों। अगले प्रश्न पर मैं आ चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पिनाका। पिनाका क्या है? क्या ये इट इज अ प्रेसिजन गाइडेड मिसाइल इंडिजीनियसली डेवलप्ड बाय डीआरडीओ? क्या डीआरडीओ ने इसे बनाया है? और क्या इसकी रेंज 4000 किलोमीटर है? क्या जल्दी से कंफर्म कर दीजिए। ये आंसर आप सभी को आता होगा आई थिंक, राइट? रेशमा जी किस बात पर कंफ्यूज हुए हैं आप, एक बार कंफर्म करिए क्यों कंफ्यूज हो गए, पूरा स्टेटमेंट लिख के बताइए कहां कंफ्यूज हुए आप, है ना? तो डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित की गई सटीक निर्देशित, मतलब बिल्कुल एक्यूरेटली प्रेसीजन के साथ गाइडेड मिसाइल है क्या ये? और क्या ये 4000 किलोमीटर इसकी रेंज है? ओके शिव सागर जी, हम भी आ गए, आप तो लेट आए, हम तो बहुत देर पहले से क्लास ले रहे हैं, है ना? ओके धर्मेंद्र तिवारी जी, बहुत बढ़िया, आप रहेंगे बहुत बढ़िया। शिव सागर जी ने आते ही बड़े जोश और उम्दा अपनी परफॉर्मेंस देते हुए बिल्कुल सही बताया है कि पहला पॉइंट बिल्कुल सही है, इसकी 4000 रेंज नहीं, ओनली 40 किलोमीटर रेंज है। इट इज अ मल्टी बैरल रॉकेट जिसमें 12 रॉकेट एक साथ मल्टी बैरल है। जिस प्रकार आपने रशिया का नाम सुना होगा S-400 टाइम्स मिसाइल, उसी प्रकार से यह भी एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है। इसकी रेंज केवल 40 किलोमीटर है, एकदम क्लियर है, 40 किलोमीटर रेंज ही है। तो कंफर्म हो गया बिल्कुल बेटा, ए ए ए बहुत सही है। मूलचंद जी भी आ चुके हैं, बहुत बढ़िया बेटा। तो घरेलू रूप से बनाई गई पिनाका रॉकेट सिस्टम डीआरडीओ इज बीइंग इवॉल्व्ड इन द प्रेसीजन गाइडेड मिसाइल। प्रेसीजन का मतलब बिल्कुल सटीकता से मार करेगी पिनाका। भारत का स्टेट ऑफ द आर्ट गाइडेंस किट है, इतना बेहतरीन किट जो है दुनिया में नामी किट है पिनाका, और हमने सफलतापूर्वक घर में मतलब इंडिजीनियसली टेक्नोलॉजी के साथ बनाया है। अब देखिए भविष्य में हम लोग 40, अभी तो 40 किलोमीटर की रेंज है मार्क वन, 75 किलोमीटर का होगा मार्क टू, और हम लोग मार्क थ्री पर भी काम कर रहे हैं, राइट? तो पिनाका के तीन वर्जन कौन से हो गए, मार्क वन, मार्क सेकेंड और मार्क थर्ड। तो मार्क वन 40 किलोमीटर, मार्क सेकेंड 75 किलोमीटर, और मार्क थर्ड पिनाका का जो मल्टी बैरल रॉकेट है, यह हम इज़राइल की एक कंपनी इज़राइल मिलिट्री इंडस्ट्रीज के साथ बना रहे हैं। तो एकदम क्लियर हो गया है पॉइंट आपको, एकदम क्लियर है, यस ए इज द आंसर। लाइक करते चलेंगे सभी बच्चे लोग, लाइक करते चलेंगे ना, बिल्कुल पोजीशन के साथ। स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक में भी किसी भी एनिमी एरिया में बहुत सारे मिसाइल्स को एक साथ दागा जा सकता है, ठीक है? तो ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए पिनाका के। चलिए तो डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित सटीक निर्देशित मिसाइल है, इसकी रेंज 40 किलोमीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन एक और मिसाइल पर है जिसका नाम है प्रहार। फिफ्थ क्वेश्चन एक और मिसाइल पर है जिसका नाम है प्रहार। तो ध्यान से पढ़ के आंसर दे दीजिए, व्हाट विल बी इट्स आंसर, इसका आंसर क्या होगा? यस शिव सागर, हर तरह से सक्षम है ये, बहुत पावरफुल लेथल एंड डेडली वेपन है पिनाका, और हमने इंडिजीनियसली बना लिया। इसराइल के साथ हम मिसाइल इसलिए बनाते हैं क्योंकि इसराइल के पास कुछ उन्नत तकनीक है, और उनके कोलैबोरेशन के साथ भारत और भी एक लंबी स्ट्राइड
एक लंबी छलांग लगा सकता है इस एरिया में, ठीक है। तो हेलो हेलो बच्चों, नमस्कार। चलिए, तो प्रहार, प्रहार मिसाइल क्या एक सरफेस टू सरफेस, सबसे पहले देख लीजिए क्या ये एक सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज टैक्टिकल क्रूज मिसाइल है, क्या ये क्रूज मिसाइल है या बैलिस्टिक मिसाइल है, क्या इसका निर्माण डीआरडीओ ने ही किया है, जल्दी से बता दीजिए। यस, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, चेयरमैन जी सतीश रेड्डी, बिल्कुल सही बता रहे मनु सिंह जी। आंसर्स भी देखते चलिए कमेंट बॉक्स में। तो मैं जल्दी से आंसर बताइए, भारती सिंह जी आपका आंसर एक बार रिकन्फर्म कीजिए, डीजे रूशी, वेरी गुड बेटा, लेकिन आंसर अभी तक सही नहीं आया है, आंसर अभी तक सही नहीं आया किसी भी बच्चे का, मैं आपसे चर्चा कर लेता हूं। नहीं, यह एक ठोस ईंधन सतह से सामरिक क्रूज मिसाइल नहीं है, डीआरडीओ द्वारा बनाई गई है, यह कथन सही है। तो ओनली बी इज करेक्ट, ओनली बी इज करेक्ट। आप एक बार पूरी इंफॉर्मेशन देखिए, प्रहार सॉलिड फ्यूल सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है। अब आप लोगों ने में से कितने लोगों ने मेरे डिफेंस के लेक्चर देखे, वहां पर मैंने आपको बताया है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है उसका अपना एक प्रोजेक्टाइल ट्रैक होता है इस प्रकार से, ठीक है, जबकि क्रूज मिसाइल के पास अपने इंजन होते हैं, अपने पंख होते हैं, वो किसी भी दिशा में अपने आप मुड़ सकती है और हमेशा सतह के समांतर चलती है, वो होती है क्रूज मिसाइल, एकदम क्लियर। और ये है बैलिस्टिक मिसाइल। तो यहां पर ये पॉइंट गलत हो रहा है, प्रहार की रेंज देख लीजिए 150 किलोमीटर और ये 35 किलोमीटर ऊंचाई तक जा सकती है, मैक्सिमम हाइट 35 किलोमीटर, रेंज कितनी है 150 किलोमीटर, ये सभी आपको याद रखना है। और इक्विप्ड विद अ स्टेट ऑफ आर्ट नेविगेशन, इसके ऊपर अपना एक कंप्यूटर ऑन बोर्ड होता है, नेविगेशन सिस्टम होता है, स्वतः अपनी दिशा को निर्धारित कर सकती है। तो प्रहार मिसाइल जो है फिल्स वाइटल गैप बिटवीन मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम, जैसे पिनाका एंड द मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। तो हमारी जो पृथ्वी है, देखिए, एक तो हमारे पास है पिनाका जिसकी रेंज है 40 किलोमीटर और फिर 75 किलोमीटर मार्क टू की, फिर हमारे पास आती है पृथ्वी मिसाइल, उसकी रेंज होती है 350 किलोमीटर पृथ्वी की। तो इसके बीच में कोई ऐसी मिसाइल नहीं है जो इस गैप को फिल करे, इस गैप को फिल करने का काम कौन कर रहा है, प्रहार मिसाइल। क्यों? क्योंकि ये 150 किलोमीटर रेंज की है। तो ये बात क्लियर हुई, इट विल फिल द गैप, द इंपॉर्टेंट वाइटल गैप बिटवीन पिनाका एंड पृथ्वी, एकदम क्लियर है, कंफर्म कर दीजिए, ठीक है। चलिए, तो अब तक सारी बातें एकदम क्लियर हो गई होंगी, तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल डीआरडीओ ने बनाया है लेकिन ये क्रूज नहीं बैलिस्टिक मिसाइल है, कितनों को ये सारी बातें कंफर्म हो गई है। आगे चलते हैं, लीजिए आगे चलते हैं, है ना, आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि धनुष आर्टिलरी गन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो ये किस किस का प्रयोग करती है, क्या इनर्शियल नेविगेशन बेस्ड साइटिंग सिस्टम, आपने गायरो रिंग सिस्टम का भी नाम सुना होगा, इनर्शियल गायरो रिंग सिस्टम। तो धनुष और भारत में होने वाली निर्मित पहली लंबी दूरी की आर्टिलरी गन है क्या ये, इज इट करेक्ट, क्या ये पहली लंबी दूरी की आर्टिलरी गन है भारत की, और क्या इसमें इनर्शियल नेविगेशन बेस्ड साइट सिस्टम है। गुड मॉर्निंग सुनील मिश्रा जी, वेरी गुड मॉर्निंग। जल्दी से आंसर दे दीजिए, जल्दी से आंसर दे दीजिए। अब मैं आंसर देने वाला हूं, इतना समय नहीं दे सकते क्योंकि बहुत लंबा सेशन हो जाएगा अदरवाइज, है ना। चलिए, समय को खराब भी नहीं करेंगे, समय बहुत कीमती है। तो जड़त्वीय नेविगेशन आधारित दृष्टि प्रणाली नहीं है इसमें, और धनुष आर्टिलरी गन बिल्कुल भारत की पहली लंबी दूरी की आर्टिलरी गन थी जो भारत ने खुद ने स्वयं ने बनाई, बिल्कुल सेकंड पॉइंट एकदम करेक्ट है।
तो देखिए धनुष को हम किस नाम से जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, देशी बोफोर्स। हमने बोफोर्स का केस सुना था राजीव गांधी के बाद से ही ये सारी की सारी घटनाएं आपको याद आ रही होंगी बोफोर्स की, जिसमें कांग्रेस को बार बार घेराव करती रहती ऑपोजिशन पार्टीज। तो धनुष हैज इनर्शियल नेविगेशन बेस्ड साइटिंग सिस्टम ऑटो, एक मिनट ये कैसे गलती हुई है, एक बार कंफर्म कर लेता हूं, ये मुझसे गलती हुई है, शायद आंसर बताने में गलती हुई है ना, मेरे पास जो आंसर्स थे मेरे पास वो गलत हैं, माफी चाहता हूं। इसका आंसर एक बार कंफर्म कर देता हूं, क्योंकि मुझे लग रहा था धनुष, क्योंकि स्वतः दिशा तो लेती है, मैं माफी चाहता हूं इस प्रश्न में, क्योंकि मेरे पास जो आंसर्स लिखे हैं उसमें गलती थी, बट है ना। तो भारत में निर्मित होने वाली पहली लंबी दूरी की आर्टिलरी गन है, राइट, और जड़त्वीय नेविगेशन आधारित, बिल्कुल है ना, रिंग गायरो सिस्टम तो नहीं है इसमें, लेकिन इनर्शियल नेविगेशन बेस्ड साइटिंग सिस्टम है, देसी बोफोर्स के नाम से जाना जाता है। और इसे किसने बनाया है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड कोलकाता, और ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है, आयुध, आयुध बनाने वाली, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, इसने इसका निर्माण किया है, ठीक है। एंड रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन आर्मी मैन्युफैक्चर्ड बाय जबलपुर बेस्ड गन कैरिएज फैक्ट्री। देखिए जबलपुर में भी हमारी एक गन कैरिएज फैक्ट्री है, वहां से बहुत ज्यादा, जबलपुर आपने नाम सुना होगा, भारत के आर्म फोर्सेस का बहुत ज्यादा इक्विपमेंट वहां से आर्म फोर्सेस को सप्लाई होता है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, मैं माफी चाहता हूं, बिल्कुल सही है, आप सही बोल रहे हैं, सी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज मेरे पास कुछ आंसर्स लिखे हुए थे वो लिस्ट थोड़ी सी गलत है, एकदम क्लियर हो गया पॉइंट, बिल्कुल सी है आंसर, देख लीजिए। धनुष में अपना जड़त्वीय नेविगेशन आधारित दृष्टि प्रणाली होता है, और यह भारत की पहली लंबी दूरी की आर्टिलरी गन है, बिल्कुल सही है, इसे देसी बोफोर्स भी कहते हैं, है ना। चलिए अब आपसे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिज्ञासा इनिशिएटिव क्या है, व्हाट इज जिज्ञासा इनिशिएटिव। करंट अफेयर में इस प्रकार के प्रश्न जो इनोवेटिव, भारत हमारे नए युवा बच्चों के टेम्परामेंट में, उनके उनके ब्लड में साइंस एंड टेक्नोलॉजी लाना चाहता है, क्योंकि भविष्य का युग साइंस एंड टेक्नोलॉजी ही होगा, यह बात मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, भविष्य का युग साइंस एंड टेक्नोलॉजी ही होगा। तो आपके जितने भी आसपास के लोग हैं उनमें आप लोग मोटिवेट कीजिए उन्हें कि ज्यादा से ज्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रति अपना प्रेम दिखाएं, क्योंकि भविष्य में भारत को या स्वयं को आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ करना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज द लास्ट रिसोर्ट, इट इज द लास्ट पैनेशिया, यही अंतिम रामबाण होगा। तो व्हाट विल बी द आंसर, आयुध निर्माण फैक्ट्री, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल शिवम शिवम अहिरवाल ने एकदम सही आंसर दिया है, शिवम अहिरवाल बिल्कुल सही बता रहे हैं आप कि एक छात्र वैज्ञानिक कनेक्ट कार्यक्रम है ये, बिल्कुल ठीक है, जिज्ञासा इनिशिएटिव। तो देख लीजिए जिज्ञासा इनिशिएटिव, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यही CSIR ही साइंस रिपोर्टर या विज्ञान प्रगति नाम की मैगजीन निकालती है, आप सभी उसको ज्यादा से ज्यादा फॉलो करेंगे और आपको बहुत अच्छा इंसाइट मिलेगा, क्योंकि CSIR के लगभग 50 प्लस लैब हैं, केमिकल फिजिकल बायोलॉजिकल, और उन सभी की मदद से भारत और दुनिया में जो रिसर्च चल रहे हैं उनके ऊपर ये बहुत तेजी से काम करता है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इन कोलैबोरेशन विद केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS, KVS और CSIR मिलकर जिज्ञासा इनिशिएटिव, और जिज्ञासा का मतलब क्या होता है, क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी का मतलब किसी चीज को जानने की इच्छा, जैसे जीने की इच्छा क्या होती है, जिजीविषा, जीने की इच्छा मतलब जिजीविषा। तो इस प्रकार से क्या होगा, देखिए आपने अब तक तो सुना होगा CSR, कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, आप सभी ने CSR का नाम सुना होगा, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनका 2%, जो उनका शुद्ध मुनाफा है उसका 2% उन्हें इस प्रकार के कार्यों में लगाना है जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी, जैसे पेड़ पौधे लगाना, जैसे किसी प्रकार के बच्चों की शिक्षा इत्यादि, एजुकेशन में डेवलपमेंट करना। अब नरेंद्र मोदी जी ने एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट बोली थी, SSR, साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आप ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनी जो 2% केवल और केवल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में दे रही हैं, उसे साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी ज्यादा से ज्यादा निवेश किया जाए, एकदम क्लियर है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, केंद्रीय
विद्यालय संगठन, इस तरह से आप जो है ना कमेंट बिल्कुल मनु सिंह जी की तरह लिखते रहेंगे तो आपको ये शब्द हमेशा परमानेंट हो जाएंगे। तो एकदम क्लियर कर दीजिए, सीएसआर क्लियर है आपको एंड सोशल साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर है, और इससे क्या होगा जो एक वाइडनिंग गैप है हमारे बच्चों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं पड़ पा रहा वो यहां से पता चल जाएगा, जिज्ञासा इनिशिएटिव। चलिए अगला प्रश्न, एकदम क्लियर है ये पॉइंट आपको, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल क्या है ये? क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, ये वायु मिसाइल है, त्वरित प्रक्रिया सतह से, है ना। तो क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल QRSAM भारत ये बना रहा है आजकल, तो एक बार आंसर ध्यान से पढ़िए और कोशिश कीजिए सही लगाएंगे आप लोग सभी आंसर। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल के बारे में निम्न तीन कथन में से कौन सा कथन बिल्कुल सही है? क्या ये सोफिस्टिकेटेड है? ऑल वेदर, ऑल टेरेन मिसाइल, ऑल टेरेन का मतलब किसी भी लैंड, भले ही वो पहाड़ी हो, कितना भी डीपन जगह हो, सभी जगह से इसको ऑपरेट किया जा सकता है। क्या ये पूरे 360 के एंगल पर कवर कर सकती है क्या? और क्या ये मल्टीपल कैपेबल ऑफ हिटिंग मल्टीपल टारगेट? क्या QRSAM मिसाइल मल्टीपल टारगेट को टारगेट कर सकती है? जल्दी से आंसर दे दीजिए, जल्दी से क्विकली आंसर दे दीजिए दोस्तों, जल्दी से आंसर दे दीजिए, सभी लोग पार्टिसिपेट करिए। मैं यहां पर देख रहा हूं कि कुछ लोग डर के कारण पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, वहां पर मत जाइए। यदि आपने आज इसका उत्तर गलत दिया है ना, तो आप जिंदगी में इसको सुधारने के बाद कभी इसका उत्तर गलत नहीं दोगे। तो सभी लोगों को से पार्टिसिपेशन कंपलसरी है। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल डी आंसर की भरमार आ गई है। QRSAM यह DRDO द्वारा ही बनी हुई है, ऑल वेदर ऑल टेरेन सब में चल सकती है, 360 डिग्री कवरेज है, बिल्कुल सही है। आप लोगों ने अवॉक्स का नाम सुना होगा, जो हमने इजराइल से लिया है, जो अपने आप में एक सेंसर है, कोई सी भी मिसाइल यदि अंदर आती है तो वो उसे आकाश में ध्वस्त करने के लिए ये रडार सिस्टम बनाया, अवॉक्स इजराइल से लिया है हमने। ऐसा ही भारत ने एक नेत्रा बनाया है, वो भी क्या करता है, हमें अलर्ट भेजता है कि कोई मिसाइल अंदर आ गई है। तो नेत्र जो है, नेत्र सिस्टम, ये तो 270 डिग्री सेंटीग्रेड जब टू एयर मिसाइल, ये भी ऑल 360 डिग्री में कवर करती है और कई लक्ष्यों को मारने की, मल्टीपल टारगेट हिट कर सकती है, बिल्कुल ठीक है। देख लीजिए, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सोफिस्टिकेटेड टू ऑल वेदर एंड ऑल टेरेन, डेवलप्ड बाय DRDO राइट, और इंडियन आर्मी विद सर्च एंड ट्रैक टू मोर कैपेबिलिटी विद वेरी शॉर्ट रिएक्शन टाइम, बहुत कम समय में। क्विक रिएक्शन का मतलब ही आप समझ रहे होंगे, बहुत तेजी से वो क्या करेगा, दूसरी मिसाइल को समय लग सकता है, इसको छोड़ने में समय नहीं लगेगा, ठीक है। तो इट हैज बीन डेवलप्ड टू रिप्लेस आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, आपने AAD का नाम सुना होगा, आपने PAD का भी नाम सुना होगा, आपने S-400 ट्राइम्स का भी नाम सुना होगा, आपने थार्ड का भी नाम सुना होगा, और आपने इजरायली बेस्ड डोम का भी नाम सुना होगा। तो मैंने जितनी बातें आपको लिखवाई हैं, पृथ्वी एडवांस डिफेंस पैड, एडवांस एयर डिफेंस, यहां पर हम लोग आकाश मिसाइल का यूज करते हैं, पृथ्वी एडवांस डिफेंस में पृथ्वी मिसाइल का, S-400 ये दुनिया का सबसे ताकतवर डिफेंस सिस्टम है राइट, और S-400 रशियन है, हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया है इसका, जल्दी हमें पूर्ति भी हो जाएगी, आपूर्ति हो जाएगी। थर्ड सिस्टम अमेरिका USA का, और इसी थर्ड को अमेरिका ने साउथ कोरिया के अंदर लगाया हुआ है, ताकि नॉर्थ कोरिया की कोई मिसाइल आए तो उसे आकाश में ही, उस थ्रेट, उस धमकी को आकाश में ही रोका जाए। इसी प्रकार से इसराइल का डोम टेक्नोलॉजी याद रखेंगे। तो एकदम बात क्लियर है, बिल्कुल डी आंसर करेक्ट है बेटा, बिल्कुल डी आंसर करेक्ट है, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है, ठीक है। तो आपको कितनों को क्लियर हो गया? तो आकाश इज नॉट दैट मच कैपेबल, आकाश इतनी कैपेबल नहीं थी, इसीलिए हमने QRSAM क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल बनाई, मल्टीपल टारगेट को 25 से 30, आकाश की रेंज भी लगभग 30 किलोमीटर ही थी,
25 से 30 किलोमीटर की रेंज पर राइट हम लोग टारगेट हिट कर सकते हैं। आकाश जो है उसका एडवांस वर्जन 70 किलोमीटर रेंज का भी है, तो लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को ये आसानी से हिट कर सकती है। एकदम क्लियर? यस। तो आंसर देख लीजिए एक बार आंसर देख लीजिए। दीज आर ऑल द आंसर्स। एक बार कंफर्म कर दीजिए बिल्कुल बात क्लियर है क्या, कहीं पर भी कोई संदेह आए, यू हैव एनी सस्पिशन, किसी भी प्रकार से आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कमेंट में बताइए, मैं आपसे डिस्कस करता चलूंगा। ये प्रश्न बार बार, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं। किसके बारे में? रासायनिक हथियार सम्मेलन। आपको पता होगा रशिया, रूस, सीरिया और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज ने आज भी रासायनिक हथियार खत्म नहीं किए हैं, आज भी उन्होंने बिल्कुल सीमित करके अपने पास रखा हुआ है। तो इस पर बहुत बार क्वेश्चन आता है, नेशनल अथॉरिटी ऑफ केमिकल वेपन कन्वेंशन के तहत निम्न दो स्टेटमेंट में से कौन से करेक्ट हैं, कौन से इनकरेक्ट हैं, राइट? तो ध्यान से पढ़िए कि क्या रासायनिक हथियार कन्वेंशन अधिनियम 2000 के तहत स्थापित किया गया था, राइट? इट वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर केमिकल वेपन कन्वेंशन एक्ट 2000। इट एक्ट नेशनल फोकल पॉइंट टू इफेक्टिव बॉन्ड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोहिबिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन। केमिकल वेपन को खत्म करना, रशिया से बार बार दबाव बनाया जा रहा है, वो नहीं खत्म कर रहा, सीरिया के बशर अल असद खत्म नहीं कर रहे हैं, है ना? लेबनान में जो अभी विस्फोट हुआ था वो भी एक प्रकार से इसी प्रकार का केमिकल वेपन था, राइट? एवरीथिंग इज क्लियर बेटा? ओके। तो नाइन्थ का आंसर बिल्कुल सही बता रहे हैं सबसे पहले डीजे रूशी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बहुत सही आंसर दिया, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है बिल्कुल। केमिकल वेपन कन्वेंशन सन 2000 के तहत स्थापित किया गया और यह राष्ट्रीय केंद्र बिंदु मतलब देशों की सरकारों को लेकर जो OPWC है उनको लेकर साथ में चलती और देशों के ऊपर प्रेशराइज दबाव बनाया जाता है। देख लीजिए, नेशनल अथॉरिटी फॉर केमिकल वेपन कन्वेंशन क्या है इसका फुल फॉर्म? NACWC, ऐसे याद रख लेना, NACWC, नेशनल अथॉरिटी फॉर केमिकल वेपन कन्वेंशन। ये केमिकल वेपन कन्वेंशन है और ये एक तरह से ऑब्लिगेशन, बाध्यता करती है बिल्कुल। इसको केमिकल वेपन कन्वेंशन 2000 के अंडर में बनाया गया था और नेशनल फोकल पॉइंट बिल्कुल ठीक है। अब बात आ रही है कि एन आर्मी कंट्रोल थ्रेट दैट आउटलॉज। तो आपको यह बात याद रखनी है केमिकल वेपन कन्वेंशन बनी कब थी। इस प्रकार के प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको लाइंस आती हैं 13 जनवरी 1993 में केमिकल वेपन कन्वेंशन बनाई गई, ठीक है, और प्रोहिबिशन OPCW इसका मुख्यालय, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन इसका जो हेडक्वार्टर है वो हेग में स्थित है, हेग में। और हेग किसकी राजधानी है? नेदरलैंड की राजधानी, राइट? हेग नेदरलैंड की राजधानी तो एम्स्टर्डम है, बिल्कुल। हेग यहां का एक शहर है, नेदरलैंड की राजधानी क्या है आप याद रखना? एम्स्टर्डम, राइट? एम्स्टर्डम। चलिए तो ध्यान से देख लीजिए, पॉइंट एकदम क्लियर है। इस प्रकार के केमिकल वेपन कन्वेंशन आपको फिक्स पता होने चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन इसका मुख्यालय कहां है? नेदरलैंड, द हेग में, है ना? और आपको पता होगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय भी कहां है? आप सभी को पता होगा, द हेग में। कंफर्म कर दीजिए, सब बातें पता थी आपको। दसवां प्रश्न आ गया है एक बार फिर से, किलोग्राम की दुनिया की मानक परिभाषा जो कि अब परिवर्तित कर दी गई है, निम्न में से कौन सा कथन इसके लिए बिल्कुल सही है? मनु सिंह, आप बहुत अच्छा काम करते हैं, आप इस प्रकार से टाइप करके लिख देंगे तो आप सभी बच्चों को फुल फॉर्म में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। यही ऑनलाइन की सबसे बड़ी बात है। ज्योति शर्मा, थैंक यू। सुनील मिश्रा जी, सी आंसर दिया था, बिल्कुल सही दिया है आपने। रेशमा जी ने सही दिया है, वेरी गुड। NACWC, बिल्कुल नेशनल, गुड आफ्टरनून कमलेश कुमार जी, गुड आफ्टरनून। अब बता दीजिए
इस पे कौन सा कथन सही है, किलोग्राम की केजी की डेफिनेशन में कौन सा कथन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, तो मैं इसका आंसर बता देता हूं। सबसे पहले दयाकांत विश्वकर्मा ने आंसर बता दिया है, दयाकांत विश्वकर्मा, वेरी गुड बेटा। तो किलोग्राम इस सदी, मतलब क्या हुआ, फॉर मोर देन ए सेंचुरी, 1889 की बात है याद रखना, उस समय पर प्लैटिनम इरिडियम मिश्र धातु के एक हंक का मतलब क्या होता है, एक उसका सॉलिड चैम्बर, जैसे मान लीजिए ये है, ये दिख रहा है आपको, ये सॉलिड चैम्बर है, ठीक है, हंक, इस प्रकार का एक किलोग्राम का उन्होंने फिक्स कर लिया और दुनिया में उसको आधार मान लिया गया। लेकिन उस पर जब जंग लगने लग गई तो हमने देखा परिभाषित नहीं किया जा सकता, तो वर्तमान में प्लैंक स्थिरांक के द्वारा परिभाषित किया गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पहला प्रश्न भी इसी पर आधारित था, बिल्कुल सही दिया आप लोगों ने, सी आंसर, वेरी गुड बेटा कमलेश, गुड भारती, चंचल, वेरी गुड रवीन कुमार, गुड गुड गुड, वेरी गुड। चलिए तो देख लीजिए, ध्यान से ये पॉइंट पढ़ लीजिए, आपके एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक 26वीं मीटिंग हुई, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स, देख लीजिए CGPM, और एक है BIPM, है ना, BIPM और CGPM। तो CGPM की फुल फॉर्म क्या है, कॉन्फ्रेंस, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स, राइट, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स। और ये कहां पर है मुख्यालय, याद रखना ये वर्सेलीज फ्रांस में है। आपको वर्सेलीज की संधि भी याद आ रही होगी, हिस्ट्री में किसने पढ़ा है वर्सेलीज की संधि। और प्लैंक कांस्टेंट जो कि क्वांटम मैकेनिक्स पे काम करता है, क्वांटम मैकेनिक्स का मतलब जिस प्रकार फोटोन आते हैं, तो फोटोन आधारित जो कण है उसकी हम शक्ति को, एनर्जी को, E=hμ, आप सभी ने सुना होगा E=hν, ये यहां पर जो H है वही प्लैंक कांस्टेंट है, राइट, वही प्लैंक कांस्टेंट है। और ये बहुत ही सूक्ष्म लेवल पे होता है, तो बिल्कुल सटीकता से अंतरराष्ट्रीय मेजर्स, जो कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स हुआ, वहां पर 26वीं मीटिंग में निर्णय लिया गया कि प्लैंक कांस्टेंट विल बी द बेसिस ऑफ किलोग्राम डेफिनेशन। एकदम क्लियर, तो देख लीजिए दोनों पॉइंट्स आपको एकदम क्लियर हैं, सबको एकदम क्लियर हैं, ये प्रश्न जरूर एग्जाम में आ सकता है, 2019 में ही एक्टिविटी हुई थी। बिल्कुल मोहम्मद फैज ने पढ़ा है, बहुत बढ़िया, इस प्रकार की चीजें पढ़ते रहा करो आप, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम का ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। यहां पर आपको एक स्पिट्ज़र टेलीस्कोप, हमने बहुत सारे टेलीस्कोप की बात करी है, भारत की एस्ट्रोसैट, हबल टेलीस्कोप, आपने जेम्स वेब टेलीस्कोप का नाम सुना होगा, आपने अटाकामा में लोकेटेड एक टेलीस्कोप का नाम सुना होगा, आपने चीन जो कि सबसे बड़ी नगारी टेलीस्कोप लगा रहा है उसके बारे में सुना होगा, देवस्थल पर भारत की अपनी एक टेलीस्कोप है। किसी भी टेलीस्कोप का जितना ऊंचाई पर लगाया जाता है, बादल नमी इत्यादि नहीं होते हैं, और इसलिए हमें पूरे ब्रह्मांड का बहुत ही क्लियर वर्जन दिखाई देता है, इसीलिए टेलीस्कोप इंपॉर्टेंट होते हैं। तो स्पिट्ज़र ने क्या काम किया है, 16 प्लस वर्ष हो गए हैं इसको काम करते हुए, है ना, वेरी गुड। 24th जो है, 11th का आंसर बता दीजिए जल्दी से, बहुत बच्चों ने सही आंसर दे दिया है, प्लैंक कांस्टेंट, बिल्कुल नीलम कलिटा, बिल्कुल सही बता रही हैं आप नीलम जी, बहुत बढ़िया बेटा। और हाँ, बी आंसर आया है इसका, ऐसा हुआ, बी कैसे दे रहे हैं आप, देखिए शनि के चारों ओर जो अंगूठी या रिंग, अंगूठी नहीं है यहां पर, रिंग आएगा, रिंग, तो सैटर्न, सैटर्न के आसपास, मैं बता दूं आपको कि टोटल जो है, टोटल सैटर्न के आसपास कुल 9 वलय, 9 रिंग्स हैं। और वो रिंग्स क्या हैं, वहां पर ये रिंग्स एक्चुअल में गैस के कण हैं जो उस पूरी की पूरी लेयर में घूम रहे हैं। इसे सबसे पहली बार जो देखा था वो स्पिट्ज़र ने देखा। और ट्रैपिस्ट 1 क्या है, वे ग्रह एक्सोप्लैनेट, एक्सोप्लैनेट पृथ्वी के आकार के समान 7 प्लैनेट्स एक साथ देखे थे ट्रैपिस्ट, ठीक है, तो उन प्लैनेट्स को कहा गया ट्रैपिस्ट। तो बिल्कुल इसने दोनों देखे। और जिस प्रकार से हमारे सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह और उसके बाद प्लूटो और उसके बाद में जो है
शूद्र ग्रह इत्यादि घूम रहे हैं, वैसे ही अन्य तारों पर दूसरे ग्रह घूम रहे हैं। तो किसी अन्य तारे के जो ग्रह घूमते हैं उन्हें एक्सोप्लैनेट कहा जाता है, और वह उस सूर्य से किसी पर्टिकुलर ग्रह की वह दूरी जो पृथ्वी के समान है और वहां पर तापमान ऐसा है जैसा पृथ्वी में है, तो वहां पर जीवन की संभावना भी हो सकती है। जैसे आप क्या देखते हैं, शुक्र में जीवन की संभावना नहीं है, मंगल में जीवन की संभावना नहीं है, क्योंकि वो गोल्डी लॉक जोन में नहीं आते। तो जहां भी गोल्डी लॉक जोन में एक भी प्लैनेट मिल गया वहां पर हम जीवन की संभावना को खोज सकते हैं, राइट। तो ये दोनों स्टेटमेंट एकदम कंप्लीटली कवर्ड हैं। तो देखिए, कार के आकार के बराबर है स्पिट्जर, यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन 2003 में लगाया गया था, लगभग 16-17 वर्ष हो चुके हैं, अब तो 17 वर्ष हो चुके हैं, राइट। और एक चंद्रा एक्सरेज ऑब्जर्वेटरी भी लगाई गई है ना, चंद्रा, जिसको 1998 में लगाया गया था। एक बार यूपीएससी में प्रश्न आया था कि चंद्रा जो एक्सरेज है ये किससे संबंधित है, इसरो, नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी या जाक्सा, जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। तो आंसर लोगों ने इसरो दे दिया था, क्योंकि चंद्र हमें हिंदी का नाम याद लगता है, लेकिन एक्चुअल में चंद्रा को नासा ने भेजा था। पॉइंट क्लियर है आपको एकदम? तो इस प्रकार से कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, जानबूझ के इस प्रकार के प्रश्न दिए जाते हैं। तो इसने कई प्रकार के डिस्टेंट गैलेक्सीज, आकाशगंगाओं को, नए बनते हुए तारों को, एक्सोप्लैनेट्स को, ट्रैपिस्ट 1 इत्यादि को स्पिट्जर ने देखा। तो ये आप याद रखना। और सैटर्न की नेवर बिफोर, पहले कभी न देखी गई रिंग्स को पहली बार स्पिट्जर ने ही देखा था। एकदम क्लियर है? नासा की फुल फॉर्म बता दीजिए, नासा के द्वारा, यस। तो ये क्लियर हो गया आपको, नासा सैटर्न शनि की जो रिंग है, 9 रिंग, उन्हें पहली बार इसी ने देखा। तो ये पॉइंट दोनों क्लियर हैं, एकदम क्लियर है आपको। ट्रैपिस्ट 1 क्या है? बहुत सारे पृथ्वी के समान दिखने वाले तारे, ठीक है बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जोश में पार्टिसिपेट करिए। ये टर्मिनल टैप, ये प्रश्न बिल्कुल एप्लीकेशन पर आधारित एक प्रश्न, किसकी एप्लीकेशन पर आधारित है? टर्मिनल टैप एक बहुत बड़ा काम करने वाला है हमारे स्पेस में, जो हमारे साथ बड़ी समस्या है वर्तमान में। और यूपीएससी की एक आदत है कि वो जितने अनुप्रयोग एप्लीकेशंस जो हैं, जिसका बहुत लंबा प्रभाव होने वाला होगा, जैसे नोबेल पुरस्कार भी उन्हीं को ही दिया जाता है जो आने वाले 100 सालों तक वो काम प्रेरणा स्रोत रहे। जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 1922 में दिया गया, केवल एक ही चीज पर उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, लेकिन वह चीज आज भी इस पूरे ब्रह्मांड से आने वाली ऊर्जा, सूर्य से आने वाली ऊर्जा को तब्दील करके हमें प्रकाश ऊर्जा में प्रकाशमान कर रहा है, और इसीलिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। और इसी प्रकार से यूपीएससी की भी यही आदत है कि वो किस पर देता है? एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो टर्मिनल टेप के बारे में आप एक बार जल्दी से पढ़िए और आंसर बता दीजिए। हर्षित 2799 ने बताया, नेशनल एस्ट्रोनॉमिक एंड स्पेस एजेंसी। बेटा हर्षित, आप फुल फॉर्म सही कीजिए, नेशनल एस्ट्रोनॉमिक नहीं है, एरोनॉटिक्स होगा बेटा, वो एस्ट्रोनॉमिक नहीं है। हर्षित मैं आपसे बात कर रहा हूं, इट इज नॉट एस्ट्रोनॉमिक, इट इज एरोनॉटिक्स। नॉट एस्ट्रोनॉमिक का मतलब तो तारों का अध्ययन। क्लियर है आपको? कंफर्म कर दीजिए क्लियर है तो। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, डीजे रुचि बिल्कुल सही बता रही है, और बिल्कुल टर्मिनल टेप का आंसर यही है, सी, दोनों करेक्ट आंसर हैं। तो देखिए, एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, उसने क्या किया, आपको पता होगा हमारे स्पेस में डेब्री, मलबा बहुत ज्यादा घूम रहा है, उस मलबे को पकड़ पकड़ के अब नीचे लाना होगा, लेकिन इतना बड़ा मलबा जो है अब कैसे नीचे लाया जाए। तो इसके लिए एक कंपनी ने अपना काम शुरू कर दिया है। तो देखिए, अंतरिक्ष वातावरण से उपग्रह पर एक ड्रैग फोर्स, ड्रैग का मतलब क्या होता है, ड्रैग का मतलब खींचना, उसको पुल किया जाएगा, इंट्रैक्ट किया जाएगा, और फिर उसकी जो गति है, एक बात बड़े ध्यान से सुनना, पृथ्वी के चारों ओर ये सैटेलाइट घूम रहे हैं ना, वो एक नियत गति से घूम रहे हैं, उस नियत गति को यदि खींचा जाएगा और कम कर दिया जाएगा, जैसे उनकी गति कम होती है वो अपने आप ही पृथ्वी पर आ गिरेंगे। ये मेरी बात क्लियर हुई?
यदि उनकी गति को बढ़ाया गया तो वो इस स्पेस से बाहर चले जाएंगे, यदि उनकी गति को कम किया तो पृथ्वी पर आ जाएंगे। तो बस यही ड्रैग फोर्स लगाना है, पुल फोर्स लगाना है और ये सभी नीचे आते चले जाएंगे। और देखिए इसका काम क्या है, अंतरिक्ष में डिब्री जो मलबा है उसको हटाना बहुत बड़ा काम हो गया है, वरना भविष्य में हम जो सैटेलाइट स्पेस वगैरह में भेजेंगे वो कभी भी किसी से टकरा सकती है। तो देख लीजिए, दिस इज द टर्मिनल टेप, ध्यान से देख लीजिए, ये एक सैटेलाइट है, ये एक टर्मिनल टेप पर लगी हुई चीज है और ये किसी सैटेलाइट को पकड़ लेगी और उसके बाद उसकी गति को कम कर देगी। जैसे गति, बहुत ही बढ़िया काम किया है इस प्राइवेट। यस, एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, एस्केप वेलोसिटी जो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, दिस इज द एस्केप वेलोसिटी। तो यदि गति तेज हो जाएगी तो वो धीरे धीरे हमारी कक्षा से बाहर निकल जाएंगे। तो ये सारी बातें क्लियर है, बिल्कुल रेशमा एकदम क्लियर हो गया बेटा, है ना, ग्रेट टाइगर एकदम क्लियर है सारी बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं टर्मिनल टेप पर। तो देखिए उस कंपनी का नाम क्या है, टेथर्स अनलिमिटेड ने एक 230 मीटर लॉन्ग एक स्ट्रिप का मतलब जैसा ये आपको दिख रहा है ये स्ट्रिप, ये 230 मीटर लॉन्ग, ठीक है, एक कंड्यूसिव टेप बनाया और उसको बोला टर्मिनेटर। टर्मिनेट का मतलब किसी चीज को रोकना, कम करना। और ये क्या करेगा, ये डिस्पोज करेगा, उसकी गति को कम करेगा, ठीक है, और सीधी सीधी वो सैटेलाइट नीचे आती चली जाएंगे। तो आपको कंफर्म कर दीजिए ये पॉइंट सारे क्लियर हो गए हैं, है ना, एकदम क्लियर हो गया है, ठीक है, 11.2 यस एकदम क्लियर है। चलिए, तो टर्मिनल टेप के बारे में ये दोनों कथन बिल्कुल बिल्कुल सही हैं। आगे बढ़ते हैं 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कैरेक्टराइजिंग एक्सोप्लैनेट सैटेलाइट CHEOPS, कैरेक्टरिंग एक्सोप्लैनेट सैटेलाइट के बारे में कौन सा कथन सही है ये बताना है आपको, ध्यान से पढ़िए और इसका काम क्या है इस पर भी बात करेंगे, जल्दी से कर दीजिए। ये PDF आपको कहां मिलेगी, मेरे चैनल पर मेरे अनअकैडमी ऐप पर मेरा मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां आपको ये PDFs मिल जाएगी, राइट। और जिनके पास मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं है, जिनके पास मेरे कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, आप मेरे शुरुआती जो वीडियोस हैं वहां पर हम लोग सभी चर्चा करते थे अपने फोन नंबर की, अपने टेलीग्राम चैनल की, आप वहां से ले लीजिए। अभी हमारे ऊपर पाबंदी है कि हम अभी नहीं बता सकते, तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को देख लेंगे, राइट बेटा। चलो, तो 13वां प्रश्न है उसका आंसर क्या हो गया, बिल्कुल इसरो ने कैरेक्टराइजिंग एक्सोप्लैनेट सैटेलाइट बनाई, पहला स्टेटमेंट सही है, लेकिन यह रहने योग्य ग्रहों को खोजने के लिए बना, एक मिनट ये क्वेश्चन शायद मैं गलत बोल रहा हूं, एक मिनट इसका नहीं, मैं आपको करेक्ट बताता हूं, ये आंसर मेरे पास फिर एक और गलत लिखा हुआ है। 13 का आंसर ये है कि ये जो कैरेक्टराइजिंग एक्सोप्लैनेट सैटेलाइट है इसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने बनाया है, ठीक है बेटा, मैं गलती की माफी चाहता हूं, ये मेरे पास आंसर्स गलत लिखे हुए, बच्चे ने, मैं जिससे काम करवाता हूं उसने गलत लिख दिए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने बनाया है, इसरो ने नहीं बनाया। और बिल्कुल जो हैबिटेबल प्लैनेट हैं जिनमें जीवन की संभावना है, जो गोल्डी लॉक जोन में आते हैं, गोल्डी लॉक जोन में आते हैं, याद रखना गोल्डी लॉक जोन, उन सभी प्लैनेट पर यह अध्ययन कर रहा है। तो देख लीजिए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भेजा, ठीक है बेटा, हाँ नॉट इसरो बेटा, ठीक है, हाँ मेरे पास गलत लिखा है, मैंने जल्दी में दे दिया आंसर, यूरोपियन स्पेस एजेंसी हैज लॉन्च कैरेक्टराइजिंग एक्सोप्लैनेट, इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए कैसे, फुल फॉर्म याद रखना सभी, एक बार कमेंट बॉक्स में रिपीट कर दीजिए इस फुल फॉर्म को, कैरेक्टराइजिंग एक्सोप्लैनेट सैटेलाइट, देखो कैसे है, एक सी आ गया, राइट, सी, उसके बाद में सी एच, कैरेक्टराइजिंग एक्सोप्लैनेट, और ठीक है ये, इट्स द फर्स्ट मिशन फोकस्ड ऑन एक्सोप्लैनेट फाइंडिंग द न्यू इंफॉर्मेशन ऑलरेडी डिस्कवर्ड प्लैनेट्स, CHEOPS है, ठीक है। तो कुल मिला के क्या है, CHEOPS क्या कर रही है,
700 कहां पर लगाया गया, इसको पृथ्वी से 700 किलोमीटर दूरी पर लगाया गया है और ये लगातार उन ग्रहों को खोजने की कोशिश कर रही है जहां पर जीवन की संभावना है। ठीक है, एकदम क्लियर है बात। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ठीक है, तो देख लीजिए आंसर। तो ये पहला रॉन्ग है, इसरो ने नहीं भेजा, मैंने आपको करेक्ट कर दिया है बेटा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भेजा है। रहने योग्य हैबिटेबल प्लैनेट जो कि कौन से हैं, जो कि कौन से हैं, गोल्डी लॉक जोन में आते हैं उनको ये, और किसकी है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। जल्दी से बता दीजिए, एक बात बता दीजिए, चलिए मैं देखना चाहता हूं आपसे एक प्रश्न, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का हेडक्वार्टर कहां है, जल्दी से मुझे प्रश्न का आंसर सभी लोग बताएं, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मुख्यालय कहां स्थित है, राइट। चलिए तो आज का 14वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, एक और सोलर टेलीस्कोप है क्या ये, डेनियल के इनोयू, ये एक व्यक्ति का नाम है, एबल टू मैप मैग्नेटिक फील्ड विद इन द सन्स कोरोना, ये सूर्य के कोरोना, कोरोना का मतलब सूर्य, ये खत्म हो गया, इसके बाहर यहां पर जो सूर्य की चमक होती है इस प्रकार का दिखने वाला ये चीज कोरोना होता, सूर्य के केंद्र में 1.5 करोड़ डिग्री 1.5 करोड़ डिग्री टेम्परेचर है, सूर्य की सतह पर 6000 केल्विन मतलब 5500 लगभग 5500 डिग्री सेंटीग्रेड मान लीजिए, और कोरोना पर जब देखते हैं तो आप देखिए इसकी सतह से ज्यादा इसके कोरोना पर गर्मी है और वो है लगभग 1.5 लाख डिग्री। तो आप सोचिए सूर्य की सतह तो कम गर्म है लेकिन सूर्य के बाहर का जो पर्यावरण है, उसके बाहर का जो एटमॉस्फेयर है उसमें 1.5 लाख डिग्री सेंटीग्रेड है। इसको बहुत लंबे समय से हमारी अलग अलग सैटेलाइट्स क्या कर रही हैं, अध्ययन कर रही हैं, रिसर्च कर रही हैं। एकदम क्लियर, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ग्रेट टाइगर फ्रांस में है और डीजे ऋषि ने बताया है कि पेरिस में है, तो डीजे ऋषि बहुत बढ़िया, और ग्रेट टाइगर आपने फ्रांस बताया देश का नाम, वेरी गुड। If I'm not wrong, it is in Denmark. I think it is in Paris. ये तो पेरिस में है शायद, यूरोपियन स्पेस एजेंसी पेरिस में है ना, फ्रांस पेरिस, वेरी गुड बेटा माही, बिल्कुल सही है बेटा भारती, वेरी गुड नीलम, सबने एकदम क्लियर बता दिया, वेरी गुड बेटा। और भी पार्टिसिपेट करा करो आप लोग, सभी पार्टिसिपेट करा करो। देखिए जो सुषुप्तावस्था में जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, दैट मीन्स यू आर इन स्टेट ऑफ डॉर्मेंसी, आप लोग नींद और सुषुप्तावस्था में, गलत दीजिए आंसर लेकिन आप बिल्कुल सही आंसर देंगे बाद में, तो एकदम क्लियर है सारे पॉइंट्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो डेनियल जो है इन्योल सोलर सूर्य के कोरोना का चुंबकीय क्षेत्रों का अध्ययन कर रहा है, साथ ही साथ मैग्नेटिक इरप्शन लगातार चुंबकीय विस्फोट होते रहते हैं, हवाई यात्रा को प्रभावित कर सकते हैं ये उपग्रह संचार। आपको पता होगा एक चीज कि सूर्य के ऊपर है एक ब्लैक स्पॉट, कितनों को पता है ये बात मुझे कंफर्म करिए, सूर्य के ऊपर एक ब्लैक स्पॉट है जबकि एक रेड स्पॉट है, रेड स्पॉट एक जुपिटर पर मतलब कि बृहस्पति पर एक रेड स्पॉट है और सूर्य पर एक ब्लैक स्पॉट है, और हर 11 वर्ष बाद ये पृथ्वी के सामने आता है क्योंकि सूर्य भी रोटेट कर रहा है, तो जब ये पृथ्वी के सामने आता है तो हमारे संचार तंत्र, हमारे जितने भी कम्युनिकेशन सिग्नलिंग सिस्टम हैं, चाहे फिर वो टेलीविजन से संबंधित हो, हमारे मोबाइल से संबंधित हो, वो सभी ये ब्लैक स्पॉट प्रभावित करता है, ठीक है। और रेड स्पॉट किस पे बताया मैंने, बृहस्पति पर, तो इस पर ये जो ब्लैकआउट होता है, कई बार ब्लैकआउट हो जाता है, ब्लैकआउट का मतलब सारे कम्युनिकेशन सिग्नल कई बार पूरी पृथ्वी पे ध्वस्त हो जाते हैं, कब, नॉर्मली जब ये ब्लैक स्पॉट पृथ्वी के सामने आता है, ये है ना बेटा, पढ़ाया आपने अंकुर, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, आपने पढ़ा है, सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, बिल्कुल सही है, सूर्य के केंद्र में 1.5 करोड़ डिग्री टेम्परेचर है, सूर्य के सतह पर 6000 केल्विन टेम्परेचर है लेकिन सूर्य के कोरोना बाहर वाले भाग पर 1.5 लाख डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसको खोजने के लिए हम लोग आदित्य मिशन भी भेज रहे हैं, ठीक है, एकदम क्लियर है बच्चों। चलो चलो चलो, तो देख लीजिए नेशनल साइंस फाउंडेशन NSF, यहां पर एक डायग्राम भी होगा, यस देख लीजिए, ये है डेनियल के इनोयू सोलर टेलीस्कोप। अब देखिए सूर्य के इतने से को जब हमने अध्ययन किया तो देखिए आप ये कैसा दिख, कितना गर्म और हीटेड टेम्परेचर वाला इनोयू सोलर टेलीस्कोप, लार्ज बबल सेल
साइज ऑफ टैक्सिस। तो देखिए कुल मिला के इसने क्या किया है, सूर्य की सतह का कभी भी कोई सैटेलाइट जो है वो इमेज तो ले ही नहीं सकती, सूर्य को डायरेक्टली पिक्चर खींच ही नहीं पाएंगे, इतनी ज्यादा रेडिएशंस निकल रही होती हैं। तो इसने ऐसा कर दिखाया, डेनियल के इनोयू, ठीक है, सोलर टेलीस्कोप, एकदम क्लियर है, देख लीजिए ये एकदम क्लियर है। तो देखिए क्या काम है इसका, किसने भेजा है इसको, नेशनल साइंस फाउंडेशन, यूएसए की एक गवर्नमेंट एजेंसी है। देखिए नेशनल साइंस फाउंडेशन ने इसे भेजा है, हमेशा याद रखना। और ये पिक्चर ने फर्स्ट सेट ऑफ इमेज कैप्चर्ड बाय एनएसएफ डेनियल के इनोयू सोलर टेलीस्कोप, इसके द्वारा हमने सन की अध्ययन किया, राइट। और सेल लाइफ, जिस प्रकार हमारे शरीर में कोशिकाओं का अध्ययन किया है पहली बार, सबसे पहली बार कोशिकाओं का अध्ययन किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने, है ना, लेकिन उन्होंने क्वार्क की कोशिका, है ना, लकड़ी पर खोजा था। सबसे पहली बार एंटोनियन ल्यूवेनहॉक ने जीवित लिविंग सेल को देखा, उसी प्रकार की, देखिए उसी प्रकार का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा, यह पहली बार ऐसा चित्र लाया गया था, किसके द्वारा, नेशनल साइंस फाउंडेशन के द्वारा पहली बार ऐसा चित्र लिया गया। और इसीलिए इस पर एक क्वेश्चन है कि यह चुंबकीय विस्फोट का भी अध्ययन करेगा। दिस टेलीस्कोप विल इनेबल अ न्यू इरा इन सोलर साइंस। अभी तक हम लोग सूर्य को बराबर अध्ययन नहीं कर पाए हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं, आदित्य मिशन हम भेजेंगे, वहां पर पार्कर सोलर प्रॉब भेजा गया है, और डेनियल के इनोयू। तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने, बिल्कुल बिल्कुल, ये पिक्चर रिलीज किया था, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर है ये। मैग्नेटिक इरप्शन ऑन द सन कैन इंपैक्ट एयर ट्रैवल, डिसरप्ट हमारे एयर ट्रैवल को डिसरप्ट कर सकता है, इसी प्रकार की जो मैग्नेटिक इरप्शंस, मैग्नेटिक विस्फोट होते रहते हैं, और सूर्य से आने वाले यही चुंबकत्व सीधा सीधा हमारे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल या दक्षिणी ध्रुव पर चला जाते हैं, और हमारे को प्लाज्मा अफेक्ट नहीं करते, लगातार प्लाज्मा वहां पर बॉइलिंग कर रहा है। तो ये प्रश्न एकदम क्लियर हो गया है, लाइक करते चलिए, जिसने लाइक नहीं किया एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, जो बच्चे लेट जुड़े हैं, नासा का के ऊपर जितने भी मिशन हैं, ऑल पॉसिबल मिशन वी विल डिस्कस हेयर, हम नासा के सभी मिशंस को यहां पर अध्ययन करने वाले हैं आज। तो पॉसिबली 10 PM पर, शायद 10 PM पर मेरी ये क्लास आएगी, आप सभी वहां आ जाएंगे, अटेंड करेंगे, इट विल बी वेरी इंटरेक्टिव क्लास फॉर यू गाइस। तो 10 PM पर, अदरवाइज यदि कोई टाइम में चेंज होता है तो आप एक बार थंबनेल को देख लेना इसी अनअकैडमी ऐप पर, राइट। बफरिंग हो रही है, अब नहीं हो रही होगी बेटा बफरिंग, एक बार रिफ्रेश कर लिया करो बच्चों जब भी बफरिंग हो। तो ये 14 पॉइंट क्लियर हो गया, एकदम क्लियर है क्या, कंफर्म करते चला करो, यस। आगे चलते हैं, तो WAWE समिट 2019 के बारे में कौन से कथन, इस पर विचार कीजिए। तो ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, है ना, क्या ये वेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित कोई समिट था जिसमें विमेन एंटरप्रेन्योर, वुमेन और विमेन अंतर पता है ना आपको, ये WOMAN वुमन, इसको क्या बोलते हैं, वुमन, और ये प्लूरल है, इसे क्या प्रोनंशिएट करते हैं, विमेन, राइट। तो प्लूरल है विमेन एंटरप्रेन्योर्स, जो नई नई चीजें बनाती है, उद्यम कर्मी, हिंदी में एंटरप्रेन्योर्स को कहा जाता है उद्यमी, राइट। तो इनमें से कौन सा कथन बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल बेटा, हाँ थैंक यू रेशमा जी, इस प्रकार से सपोर्ट करो टीम को, यस सर आई एम रेडी टू लर्न, ओके बेटा, ओके रात को, यस आज रात को बेटा, यदि कोई चेंज होगा ना तो आप एक बार अपडेट और ले लेना एक दो घंटे बाद, क्योंकि क्या हो रहा है शेड्यूल मैच नहीं कर रहा है ना, तो मैं मेरा एक बार थंबनेल पे देख लेना क्या टाइम आने वाला है, थोड़ी देर में पता चलेगा। आपको यदि मुझसे संपर्क करना है, कोई भी बात करनी है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं कभी भी, RUDRAP, है ना, RUDRAP387@gmail.com, जल्दी से लिख लीजिए इसको, आप मुझे फेसबुक इत्यादि पे भी फॉलो कर सकते हैं, RUDRAP387@gmail.com, रुद्र गौतम मेरा नाम है, फेसबुक पर भी रिक्वेस्ट वगैरह भेज दीजिए, मैं बहुत अच्छे से आपसे जो है ना अनअकैडमी के संबंधित सारी बातें बतलाऊंगा, ठीक है बच्चों। और एक और बात, यदि आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और टेलीग्राम चैनल का लिंक नहीं है, आप मेरे पहले के लेक्चर सुनिए, वहां पर मैंने सब कुछ बताया है, ठीक है बच्चों, एकदम क्लियर है। तो 15th
क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दे दीजिए। बिल्कुल बेटा, बहुत सबसे पहले नीलम कलिटा, नीलम ने बहुत अच्छे से आंसर दे दिया, बिल्कुल सी सही है। यह वेस्ट मैनेजमेंट समिट था विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जॉइंटली ऑर्गेनाइज बाय ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन AICTE। ये आप सभी को पता होगा, हमारे जितने भी इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट के कॉलेजेस होते हैं उनको एफिलेशन देने का काम, उनको एफिलेशन का मतलब आप सभी को पता है ना, उनको अलाउ करने का काम कि आप कॉलेज खोल लीजिए, एफिलेशन देने का काम AICTE देती है। और AICTE नॉर्म्स के तहत ही लेक्चरर, प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स को पेमेंट अलॉट होती है, ये सब आपको पता होगा। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और द इंस्टीट्यूट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, इन दोनों ने मिलकर, तो इस प्रकार के करंट अफेयर्स आते हैं, उनको आप जरूर कवर करेंगे अपने लेवल पे, ठीक है बेटा, है ना। तो दोनों पॉइंट्स एकदम करेक्ट हैं, ध्यान से देख लीजिए कि द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स HRD मिनिस्ट्री के अंडर में बहुत सारे सेवरल इनिशिएटिव स्थापित किए गए, उसमें AICTE जो है उसने और इंस्टीट्यूट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट ने मिलकर जो है महिलाओं का विशेष ये एक समिट था, WAWE, ठीक है WAWE। बेटा कॉन्टैक्ट नंबर मैंने पहले बताया है, किसी आप पहले के लेक्चर में पढ़ेंगे ना वहां पर कॉन्टैक्ट नंबर है, आप जब भी कभी मेरा सब्सक्रिप्शन ले, प्लस कोर्स ले या फिर अनअकैडमी पर आइकॉनिक कोर्स ले, आप मुझसे एक बार संपर्क कर लीजिए, मैं कुछ और मदद कर सकता हूं तो आपकी जरूर करूंगा, पॉजिटिवली करूंगा एकदम, है ना। तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में, वहां मैं कॉन्टैक्ट वगैरह सब दिया करता था, मेरे टेलीग्राम चैनल को जिसने ज्वाइन किया है वहां पर मेरे कॉन्टैक्ट थे, लेकिन अभी क्या है किसी स्ट्रिक्ट पॉलिसी के चलते हम लोग ये सब नहीं कर सकते। तो 2019 में आपको ये बात क्लियर हो गई है, राइट। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड इंस्टीट्यूट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट जयपुर में ये हुआ था। स्टैंड अप इंडिया, है ना, स्टैंड अप इंडिया के तौर पे विमेन एंटरप्रेन्योर ने वेस्ट को कैसे कम करना है उसके ऊपर ये पूरा का पूरा एक चर्चा था, ठीक है। WAWE समिट क्या है आपको क्लियर हो गया होगा, यहां पर ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए हैं, राइट। तो डोंट फॉरगेट, आज शाम को नासा के सभी मिशंस को कवर कर देंगे, जितना भी समय लगेगा नासा के एक एक मिशन को कवर करेंगे, ताकि क्या हो, आपको एक बेसिक जानकारी हो जाती है ना, तो आप अपने लेवल पर भी बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हैं। तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिए देंगे एक बार, दिस इज माय रेफरल कोड, राइट, RPSIR10। और मेरे अपने अनअकैडमी पर कोर्स भी चल रहे हैं। देखिए अनअकैडमी पे होता क्या है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जब आप प्लस कोर्स लेते हैं तो मेरे जैसे वहां पर 200, 300, 400 प्लस फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं, आपको जिससे पसंद आता है उससे पढ़ सकते हैं आप। जबकि आप किसी और अन्य इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगे, किसी भी ऑनलाइन कोर्स को लेंगे, तो आपका फिक्स होता है कि पॉलिटिकल साइंस यही फैकल्टी पढ़ाएंगे। यहां पर पॉलिटिकल साइंस के हंड्रेड्स ऑफ अलग अलग स्पेशल सेशन बने हुए हैं, 40, 50, 100 वीडियोस, तो आप किसी के भी देख सकते हैं। सबसे स्पेशल फीचर है, दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ अनअकैडमी एंड वन स्टॉप सॉल्यूशन। तो आप अनअकैडमी के प्लस या आइकॉनिक कोर्स को लेंगे तो आपको एक एक चीज का सीक्वेंस में PDF इत्यादि सभी डाउनलोड कर सकते हैं। तो डू सब्सक्राइब और प्लस सब्सक्रिप्शन, आप मेरे इस रेफरल कोड का यूज कर लीजिए। कोई भी मदद और चाहिए किसी भी प्रकार की जरूर मुझे बताएंगे आप। सो आई विल स्टॉप हेयर टुडे, मैं यहां पर रोकता हूं, ठीक है बेटा। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर के बारे में मैंने आपको बता दिया, आप मुझे, जितने भी बच्चे हैं आप सभी मुझे RPSIR10, है ना, www.unacademy.com/RPSIR10 या फिर रुद्र गौतम, इस नाम से मुझे आप सर्च कर लीजिए अनअकैडमी पर। मैं वहां पर गया है, आज आऊंगा आपके साथ, कुछ मेरे साथ ट्रेजिक प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए मैं लेक्चर नहीं ले पा रहा था 2-3 दिन से। तो आप 7 से 8 PM पर जब लेक्चर लेंगे वहां मैं इसका PDF भी अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां पर जुड़ जाइए। अच्छा, अनअकैडमी ऐप पर होता क्या, लर्निंग ऐप पर, कि यदि आप मुझे फॉलो करते हैं तो मैं आपको फॉलो बैक कर सकता हूं, और हम लोग किसी भी, आपको कोई प्रश्न है तो आप मुझसे वहां पर चैटिंग के माध्यम से बता सकते हैं, सर ये समस्या है। तो जिस प्रकार फेसबुक व्हाट्सएप पर चैट करते हैं वैसे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी चैट की सुविधा उपलब्ध है, तो आप मुझसे वहां पर कभी भी एनी टाइम किसी भी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। अभी चाहेंगे अभी फॉलो कर लेंगे, अभी मुझे मैसेज कर देंगे तो मैं अभी का भी आपको क्या है रिप्लाई करूंगा बेटा, एकदम क्लियर है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू बेटा, थैंक यू।
जल्दी आऊंगा, बिल्कुल डीजे ऋषि जी बेटा जल्दी आऊंगा। और कमलेश जी बोल रहे हैं ये मेरा पहला क्लास था सर, वेरी गुड। बेटा कमलेश जी आप ध्यान से सुनिए, 11 AM पर मेरा रेगुलर लेक्चर आता है, ये फिक्स है। मेरे करंट अफेयर का लेक्चर इसी अनअकैडमी चैनल पर, अनअकैडमी हिंदी चैनल पर 8 AM पर भी आता है। और मेरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर तो ये है 12:40 का, जिस पर मैं आपको बहुत ही क्रिस्प नॉलेज देता हूं। तो मेरे अलग अलग लेक्चर्स आते रहते हैं, आप मेरे प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए, वहां पर बहुत सारे सेक्शन मैंने कवर किए हैं, उन सभी को फॉलो कर लीजिए आप एक तो, राइट। अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिए, किसी भी प्रकार की चर्चा आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, मैं हमेशा फ्री रहता हूं क्लास के अलावा, है ना। ठीक है बच्चों, थैंक यू ओके। सो आई विल स्टॉप हियर, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।